नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार विधानमंडल अपना शताब्दी समारोह कल यानी 21 अक्टूबर को मनाने जा रहा है और इसी कड़ी में बिहार सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। बता दें कि इस समारोह को खास और भव्य बनाने की तैयारी चल रही है और इसी कड़ी में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दोपहर 1 बजे पटना की धरती पर अपने कदम को रखेंगे और साथ ही साथ कल के होने वाले समारोह में वो शिरकत करेंगे। बता दें कि ये जो शताब्दी समारोह है वो बेहद भव्य होने जा रहा है और बिहार सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें कि इसी कड़ी में बिहार विधानमंडल में एक डिजिटल म्यूजियम बनने जा रहा है और ये डिजिटल म्यूजियम पूरे बिहार विधानमंडल के 100 वर्षों के इतिहास का साक्षी बनेगा। बता दें कि विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम बनेगा जो इसके 100 वर्षों के इतिहास का साक्षी होगा। इस म्यूजियम में विधानसभा से जुड़े अब तक के सारे दस्तावेज और इनसे जुड़ी सारी कहानियां का संग्रह होगा। म्यूजियम विधानसभा के मुख्य भवन के बाहर की ओर होगा ताकि बाहर के लोग सहजता से उसका इस्तेमाल कर सके। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हम इस लाइब्रेरी को डिजिटल करने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसमें विधानसभा की पुस्तकें और अन्य प्रकाशनों को शामिल किया जाएगा। डिजिटल म्यूजियम इसी की आगे की कड़ी है। स्पीकर मंगलवार को अपने कक्ष में पत्रकारों से रूबरू हुए थे। अपने भवन के 100 वर्ष पूरे होने के बाद इस साल विधानसभा शताब्दी समारोह मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। वे समारोह का आगाज करेंगे। इसी क्रम में विधानसभा में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। राष्ट्रपति विधानसभा में शताब्दी स्तंभ के निर्माण का शिलान्यास करने के साथ साथ बोधि वृक्ष के शिशु पौधे को भी लगाएंगे। समारोह के लिए विधानसभा परिसर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। विधानसभा भवन के 100 साल पूरा होने की स्मृति में शताब्दी स्तंभ तैयार किया जा रहा है। स्तंभ के ऊपर मेटल का बोधि वृक्ष होगा। यह वृक्ष पूरे बिहार और विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेगा। इस वृक्ष में 9 बड़ी शाखाएं होंगी जो सूबे के सभी प्रमंडलों, जबकि इनकी 38 छोटी शाखाएं सभी जिलों का प्रतिनिधित्व करेंगी। इन शाखाओं पर 243 पत्तियां होंगी जो सभी विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगी। बता दें कि मुख्य मंच पर राष्ट्रपति के अलावा राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। स्वागत में प्रमुख मंत्री मौजूद रहेंगे। बता दें कि बिहार विधानमंडल के शताब्दी समारोह को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है और बिहार विधान भवन को पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। इस पूरे समारोह के मुख्य अतिथि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे जो इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। साथ ही साथ तमाम तैयारियों के साथ डिजिटल म्यूजियम का भी आगाज किया जाएगा और आगे की प्रक्रिया जो है इसके साथ ही साथ पूरी की जाएगी। बता दें कि यह समारोह बेहद खास है और बेहद भव्य है और इसको लेकर मंच पर जो कार्यक्रम होंगे उस पर 6 ही लोगों के उपस्थित होने की जो है वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यानी कि मंच पर सिर्फ 6 लोग ही उपस्थित रहेंगे, अन्यथा उनके अलावा कोई और उपस्थित नहीं रह सकेगा। इन 6 लोगों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ बिहार के सभी नेतागण, विधायक, मंत्रीगण और राजनीतिक से जुड़े सभी सदस्य इस समारोह में भाग लेंगे। अभी के लिए इतना ही है। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।